वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि पिछले साल जब से फिल्म आदि पुरुष की घोषणा हुई, तभी से यह लगातार चर्चा में बनी हुई है। ओम रावत के डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म रामायण की कहानी पर आधारित है, जिसमें सुपरस्टार प्रभास भगवान राम और सैफ अली खान लंकेश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। जहां तक सीता के रोल की बात है, तो अभी तक इस किरदार के लिए दीपिका पादुकोण, कीर्ति सैनन और कीर्ति सुरेश के नाम सामने आए हैं। हालांकि अभी तक किसी एक का नाम कंफर्म नहीं किया गया है। अब इस फिल्म का मोशन कैप्चर लिया गया है। दरअसल ओम रावत ने अपने ट्वीट में लिखा, आदि पुरुष का संसार क्रिएट करने के लिए मोशन कैप्चर आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ओम रावत ने अपनी टैलेंटेड टीम के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। इस तस्वीर में पूरी टीम स्पेशल ड्रेस में दिखाई दे रही है। ओम रावत की इस फिल्म में सैफ अली खान, प्रभास और कीर्ति सैनन लीड रोल्स में हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन तान्हाजी जैसी हिट फिल्म देने वाले डायरेक्टर खुद ओम रावत करेंगे। बता दें कि आदि पुरुष एक बड़े बजट की फिल्म है। फिल्म की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण पर आधारित है। फिल्म में बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाया जाएगा, मगर एक बहुत बड़े लेवल पर है। फिल्म को ओम रावत निर्देशित कर रहे हैं, साथ ही फिल्म को टी सीरीज के भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। खबरों की माने तो फिल्म का बजट 350 करोड़ से 400 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है। फिल्म को हिंदी सहित 5 अन्य भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म 11 अगस्त 2022 को लोगों के सामने होगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।